मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट आर्ट गैलरी है ये, और ये अंबिका जी हैं कलकत्ता की, उनके द्वारा ये बनाया गया, निर्माण किया गया है। जितना भी यहाँ पे आसपास जो कलाकृतियाँ हैं, जो मैंने अपने गांव से लोकल जो संस्कृति है जो ख़त्म हो रही है, उसको भी साथ में जोड़ के इसको आगे बढ़ावा दे रही हैं। यहाँ पे 95% चीज़ें स्क्रैप से की गई हैं, जिससे भी लाइट्स लगी, ये शिप की लाइटें हैं, ये कोचिंग सब आया है, नीचे वो सैंडले बना है उस पर 1200 लाइटें लगी, वो चूने भट्टे चिमनी का टॉप है फैक्ट्री का, वो झूमर बन गया है। गुटके के पैचेस होते हैं तो वो लोग गांव में फेंक देते हैं ऐसे खा के, गाँव भी गंदा होता है उससे, तो वहाँ की कुछ लड़कियाँ अपने से ऐसे गांव में पाउच उठा के ऐसे कुछ जोड़ रही थी, तो उन जोड़ते जोड़ते उन्होंने चटाई जैसे कारपेट जैसे बनाया, उनको लगा कि अच्छा है, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा बना दिया, और ऐसा इतना बनते बनते काफ़ी बड़ा हो गया, और वो इतना सुंदर हुआ, इतना अच्छा मजबूत भी हुआ कि उसको हम लोग यहाँ से कुछ लोग गेस्ट हमारे गए देखे, उनको अच्छा लगा, उसे हमने परचेस ही करने चालू कर दिए। I'm friends with an architect named Claire Kennedy, and we're part of a group in Australia called 5 Mile Radius, and we like building with local materials and trying to evoke a sense of place in our projects. And so she's been working with Ambica for a while here at Art Ichol. उनको लगता है कि घर एक ही जैसा बन सकता है, लेकिन जो मर्ड हाउस बन रहा है या थोड़ा डिफरेंट तरीके का, इसका डिज़ाइन चेंज है, तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि अच्छा ऐसे भी घर बन सकता है मिट्टी का। बेडरूम के अलावा इसमें जैसे टॉयलेट है, तो आज तक कोई घर में टॉयलेट नहीं बनाया यहाँ मिट्टी के घर में, तो उसको अलग से कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया है, तो वो अच्छा लग रहा है उस सबको। शुरू में तो उनको समझ में नहीं आया कि बना क्यों है और क्या बनाए, उनको तो अजीब लगा कि चलो ऐसे अब हम लोगों के लिए नहीं है, ऐसे बड़े लोगों के बीच की बात है, कुछ ऐसा होगा। पर जब हम लोग गाँव में जाके वो शोध किए, तो उनको पता चला कि ये तो हमारे लिए वरदान जैसे साबित हो रहा है, जिसके पास कला तो है पर उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं कि हमें कला कैसे बाहर दिखा सके। तो हम लोग ढूंढते हैं गांव में जाके किसके पास क्या कला है, किसी के पास कढ़ाई है, किसी के पास सिलाई है, बुनाई, वो भी सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो आर्ट चौल के जरिए लोग अपना हर सामान एग्जीबिशन डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इनको बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ से जुड़ करके।